हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलबी नवाबों का जायका। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन रोगन। ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो स्टार्ट करते हैं। मटन रोगन बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ खड़े मसालों की पोटली तैयार कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने अक्का धनिया ली हूँ, 2 जावित्री के टुकड़े, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली हूँ, 3 बड़ी इलायची है, 5 छोटी इलायची, थोड़ा सी शाहजीरा, 3 लौंग, 7 काली मिरी और 2 तेज़पत्तों को मैंने बीच में से तोड़ ली हूँ। इन सब चीज़ों की मैं पोटली बना के रेडी कर लूँगी। देखिए, मैंने पोटली बना ली हूँ और इसे फॉक की मदद से बीच में से होल कर दी हूँ। 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को मैंने छोटा छोटा से चॉप कर ली हूँ। 1 टीस्पून चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पाउडर मसालों में 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। 1/2 कप मैंने दही ली, इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। 1/2 केजी मैंने मटन ली, इसे मैंने 1.5 गिलास पानी के अंदर बॉयल कर ली हूँ। 1 पतीली में मैंने ऑयल ले ली हूँ, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप की हुई अनियंस ऐड कर दूंगी। अनियंस को मैं बादामी होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए, हमारी अनियंस बादामी कलर की हो चुकी है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक एंड चिली का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छे से भून लूँगी। देखिए, हमारी सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें हमारा बॉईल किया हुआ मटन ऐड कर दूंगी और इसे इन सब चीज़ों के साथ में अच्छे से पका लूंगी। देखिए, हमारा मटन जिंजर गार्लिक एंड चिली के पेस्ट के साथ में बहुत अच्छे से भून चुका है। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं हमारे सभी स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूंगी। हमारा मटन सभी स्पाइसेस के साथ में देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और इसे इन सब चीज़ों के साथ में अच्छे से भून लूंगी। देखिए, 20 मिनट्स हो चुके हैं। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें हमारा स्टॉक ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ा सी मिक्स कर लूंगी। फिर मैंने जो स्टार्टिंग में पोटली रेडी कर ली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 10 मिनट तक कवर करके इसे लो फ्लेम पर पका लूंगी। अब मैं इसमें से खड़े मसाले की पोटली अलग कर लूंगी और हमारा रोगन बनके रेडी है। देखिए, हमारा मटन रोगन बनके रेडी है। ये बहुत ही कम चीज़ों से बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है और बहुत इजी है। प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे नान के साथ में या पराठों के साथ में भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू।